को नमस्कार, स्वागत है आपका अंजुम सिंह अकेडमी। आज मैंने आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है हमारे लिए, हम उसे समझते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल। और ये ट्यूटोरियल मैं बिगनर से एडवांस सभी के लिए बना रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, आज मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज कंपोनेंट्स के बारे में, और फिर फाइल टाइप के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का चार टॉपिक है, जो हमारा एजेंडा है वो ये है, और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, क्या पर्पस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, जैसे लेटर्स लिखना हो, रिपोर्ट्स बनानी हो, इनवॉइस बनाना हो, बिल बनाना हो किसी का, कुछ ईमेल्स लिखने हैं, टाइप करने हैं आपको, बुक्स टाइप करने हैं, पंपलेट्स बनाने हैं, तो आप किसी भी काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी काम अगर आप करना चाहें, है ना, तो आप उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अलग अलग पर्पस है, जैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का मतलब है जहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम बनाते, कुछ बिजनेस इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। कुछ रेडीमेड कंटेंट के लिए या फॉर्मेटेड एलिमेंट्स के लिए, जैसे कवर पेज बनाना हो, साइड बार बनाना हो, उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं। लेटर्स बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, लेटर हेड बनाने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरह के डिज़ाइन, जैसे आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, है ना, अपना बायोडाटा बनाना है नौकरी के लिए, किसी को इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स, मतलब कई तरह के वर्क जो एक ऑफिस के अंदर होते हैं, उन सभी काम के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं, अब समझते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से उसे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप चाहे तो यहाँ पे भी विनवर्ड टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे विनवर्ड लिखेंगे तो सामने आपको जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास इंस्टॉल होगा 2013 या 2007, 2010, 2016, वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करके वर्ड को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने एक बार फिर से स्टार्ट कर लिया। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्क्रीन आपके सामने ये आता है, मैं 2013 के अंदर बता रहा हूँ, जहाँ पे इस साइड तो रिसेंट फाइल की लिस्ट आती है कि ये रिसेंट फाइल है जो हमने लास्ट टाइम ओपन किया था। और ये राइट हैंड साइड में कुछ कस्टमाइज टैंपलेट्स आते हैं, और इस टैंपलेट्स में से आप कोई भी टैंपलेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्ड को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई टैंपलेट नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपका स्क्रीन आ जाएगा। तो ये आपका स्क्रीन आ गया। तो ये तो हो गया कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। अब जरा सा इसके विंडो कंपोनेंट को समझते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने एक विंडो दिखाई देता है। इस विंडो के सबसे लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू का साइन दिख रहा है, इसको वर्ड आइकन बोलते हैं। ये बता रहा होता है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन खुला हुआ है। इसको कंट्रोल बटन भी कहते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएंगे जिसमें रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन आता है। क्लोज से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको क्लोज कर दिया। चलिए फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, टाइप करके आप इंटर की दबा दें तब भी आपका ये वर्ड खुल जाएगा। सेकेंड जो सबसे ऊपर का बार, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसके ठीक नीचे जो दिख रहा है इसे हम टैब बार कहते हैं। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में जो 2013 है इसमें ना इनको टैब कहा जाता है। ये टैब अलग अलग ऑप्शंस के लिए होते हैं। जब भी आप किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो इस टैब से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये सारे टूल्स हैं, ये कमांड्स हैं, जिस कमांड का इस्तेमाल करके आप अपने वर्ड्स के डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो या उसको मॉडिफाई कर सकते हो या अलग अलग फैसिलिटीज ले सकते हो इससे। ठीक है, सबसे और ये जो एरिया, जो वाइट पोर्शंस का एरिया आपको दिखा रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है, इसको हम डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये जो नीचे का एरिया दिख रहा है इसको रिबन कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं, रिबन। जब हम किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब के रिलेटेड रिबन्स खुल जाते हैं। उस रिबन्स के अंदर में कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखे जाते हैं। ये कैटेगरीज है, क्लिपबोर्ड कैटेगरी हो गया, फॉन्ट कैटेगरी हो गया, पैराग्राफ कैटेगरी हो गया, स्टाइल कैटेगरी हो गया। इस तरीके से इंसर्ट पे आ गए तो इंसर्ट के अंदर देखिए यहाँ भी पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, ये अलग अलग कैटेगरी है जिसके अंदर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये रूलर है जिसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, मतलब स्केल है ये, जहाँ पे आप पेज के साइज को देख सकते हैं, मेजरमेंट्स को देख सकते हैं। ये टॉप रूलर है, इसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, इसको हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। इसका काम है कि आप पेज के साइज मार्जिन्स के पर्पज़ के लिए हम इसका यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रूलर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे नीचे आते हैं ये जो ब्लू कलर की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है पेज वन ऑफ वन, मतलब आपके इस फाइल में टोटल कितने पेज हैं। तो अभी तक हमारे इस फाइल में एक पेज है। आप किस पेज पे हो, पेज वन ऑफ वन जो पहला वन है ये बता रहा है कि आपके अंदर आपके फाइल में कितने आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेजेस कितने। जैसे अभी इसमें देखिए यहाँ पे दो पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है और मेरा कर्सर अभी फर्स्ट पेज पे है। जैसे मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ ये दूसरा पेज यहाँ पे पेज टू ऑफ टू आ जाता है। ये जो बीच में जो आपको लाइन दिखाया जा रहा है इसको हम ब्रेक कहते हैं, पेज ब्रेक होता है। ये बता रहा होता है कि वन पेज यहाँ पे एंड हो गया और दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके ठीक बगल में देखिए यहाँ पे एक समरी आया हुआ है 138 वर्ड्स, मतलब आपके इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर में टोटल कितने वर्ड्स आपने टाइप कर दिए। आपको 100 वर्ड खुद से आपका काउंटिंग भी करेगा। ये पोजीशन है जो बता रहा होता है कि किसी तरह का आपने कोई चेंज किया ही नहीं। ये आपने लैंग्वेज कौन सा यूज किया है, ठीक है। नो मैक्रोज, कोई मैक्रोज होगा तो उसके बारे में बताएगा कि मैक्रो यहाँ पर रन कर रहा है। इस साइड आ जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के व्यूज हैं। नॉर्मली हम प्रिंट लेआउट व्यू पे काम करते हैं। ये रीडिंग मोड के लिए होता है। रीड मोड पे आप देख लीजिए ये ऐसे दिखेगा आपका। रीड मोड पे आप इस तरीके से स्क्रॉल करके पेजेस को पढ़ सकते हैं, इधर स्क्रॉल करके, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ये वेब लेआउट, मतलब वेब फॉर्म में अगर आप चाहते हैं कि वेब पेज के फॉर्म में दिखाई दे वेब लेआउट, तो ये आपका वेब लेआउट है। वेब लेआउट के फॉर्म में भी कंटेंट्स को देख सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास ये स्लाइडर्स दिख रहा है, एक्चुअली ये जूमर है। आप कंटेंट के साइज को जूम कर सकते हो, है ना। आप साइज को इंक्रीज और यहाँ से आप साइज को डिक्रीज कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा ये टेम्पोरी इंक्रीज और डिक्रीज है, एक्चुअली आपने लेंस का यूज किया है, जूमर का यूज किया है, तो ये फिजिकली साइज को बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। ये लॉजिकली साइज को सिर्फ स्क्रीन पे साइज को बढ़ा रहा है, कंटेंट का साइज नहीं बढ़ा हुआ। विजिबिलिटी को चेंज किया गया कि आपने बड़े साइज करके इसको देखने की कोशिश की। नॉर्मली ये 100% पे हम रखते हैं और इस स्क्रीन साइज पे हमें दिखाई देता है। इसके बाद तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि वही जो अलग अलग विंडोज कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। अच्छा, यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये हेल्प लेने के लिए है। कभी भी आपको किसी तरह के हेल्प की जरूरत होगी तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये आपका क्या है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस है। रिबन्स को आपको दिखाना है, ऑटो हाइड करना है, मतलब ऑटो हाइड हो गया। जैसे ही आप ऊपर जाओगे यहाँ से ऑटो हाइड रिबन को आपको हटाना है यहाँ से, और शो टैब्स करना है, टैब्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें रिबन्स भी देखने हैं, शो टैब्स एंड कमांड्स, तो ये आ जाएंगे। तो ये रिबन ऑप्शन है यहाँ से। ये क्या है, मिनिमाइज, स्क्रीन क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। यहाँ से हम आके इसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज बटन। हम स्क्रीन के साइज को हाफ ऑफ द स्क्रीन और फुल ऑफ द स्क्रीन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है हमारा, क्लोज बटन। मैं आपको दिखाऊँ इसको क्लोज करके। जैसे मैंने इसको इस फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करते ही, क्योंकि हमने इस फाइल के अंदर कुछ चेंज किया था, तो ये पूछता है वांट टू सेव योर चेंज टू डॉक्यूमेंट 3, क्या आप सेव करना चाहते हो, यस करो, सेव बटन, नहीं सेव करना चाहते हो, डोंट सेव, और कैंसिल। सेव क्यों करना चाहिए, अगर आपने कोई काम का काम किया तो आप उसे सेव करके रख सकते हो। डोंट सेव मतलब मुझे सेव नहीं करना, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। मैं इस वाले फाइल को सेव करके दिखाऊंगा अभी आपको। आइए, ये तो हो गया विंडो कंपोनेंट। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि आपने यहाँ पे कौन सा फाइल एप्लीकेशन खोल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उस फाइल का क्या नाम है, डॉक्यूमेंट वन। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल बनाते हैं तो उसका नाम डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, ऐसे नाम दिया जाता है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, फ्रिक्वेंटली यूज शॉर्टकट्स हैं जिसको आप यहाँ पे रखते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2-3 शॉर्टकट्स दिख रहे होते हैं। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कस्टमाइज करना होता है।
ठीक है, आइए अब हम फाइल टाइप के बारे में समझते हैं। सबसे पहला काम हमें ये सीखना है कि हम नया फाइल कैसे बना सकते हैं, हम फाइल को सेव कैसे करते हैं और उस फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं फाइल टाइप पे जाता हूँ। फाइल टाइप के अंदर में एक न्यू ऑप्शन है, इस न्यू पे क्लिक करते ही आपके पास ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आपको कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया गया, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट, मैंने ये टाइप कर दिया कि दिस इज माई फर्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट। हेलो हेलो, हाउ आर यू। अब ये मैंने टाइप किया, देखिए ये जो ब्लिंकिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ब्लिंकिंग, इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। कर्सर को अप एंड डाउन करने के लिए अप एरो की आप दबाते हैं, डाउन एरो की से डाउन हो सकता है, लेफ्ट से राइट से राइट साइड की ओर मूवमेंट लेगा और लेफ्ट से लेफ्ट साइड की ओर मूवमेंट लेगा। मैं जरा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन का साइज दिखाई दे सही तरीके से। तो मैं राइट साइड की ओर जा रहा हूँ, फिर मैं लेफ्ट की ओर जाऊँगा। अप एंड डाउन से अप एरो, डाउन से नीचे की ओर हम मूवमेंट लेते हैं कर्सर। कर्सर जिस पोजीशन पे होता है उसी पर, जैसे हमारा मेरा कर्सर यहाँ पे है तो अब मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेरी इजली। हाउ कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जहाँ भी कर्सर होगा, जिस पोजीशन पे कर्सर होगा उस पोजीशन पे ये टाइपिंग हाउ टू यूज। अब मुझे मान लीजिए यहाँ हाउ टू यूज के बाद कुछ और लिखना था, हाउ टू यूज MS Word, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है 2013 2016, हम कुछ भी लिख सकते हैं। एंटर की दबाते ही, एंटर की, जैसे मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है, अब मैं कर्सर नीचे लाना चाहता हूँ। सपोज मेरा कर्सर यहाँ है, मैं इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एरो की से मैं इसके नीचे नहीं जा सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एंड ऑफ लाइन है ये। अब मैं इसके नीचे कर्सर नहीं ले जा पा रहा हूँ डाउन एरो की से, तो मैं क्या करूँगा, डाउन एरो की से मैं इसको नीचे नहीं जाता, तो मैं एंटर की दबाऊंगा। एंटर की दबाते ही हमारा कर्सर नीचे आ जाता है। मतलब आपको अगर कभी भी न्यू लाइन पे जाना है, अगले लाइन पे जाना है, तो आप एंटर की को प्रेस करें, एंटर की दबाते ही आपका कर्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप करना कि आप कैसे टाइप करते हो, कैसे डिलीट, अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो दो चीज़ है, एक तो कर्सर्स के लेफ्ट हैंड साइड के कंटेंट को डिलीट करना है या कर्सर के राइट हैंड साइड के कंटेंट को डिलीट करना है। जरा इसको देखने की जरूरत है। जैसे अब यहाँ पे आपका कर्सर है, मैं यू को डिलीट करना चाहता हूँ। कर्सर कहाँ है, एट द एंड ऑफ यू, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा। यहाँ पे क्या दबा रहा हूँ, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा कर्सर ए के जगह पे है और मैं पूरे ए आर ई को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या दबाना चाहिए, डिलीट की को दबाना चाहिए। डिलीट की आपके कीबोर्ड पे होगा। दो तरह के डिलीशन कीज होते हैं, एक होता है बैक स्पेस और एक होता है डेल। डिलीट की का काम होता है कर्सर के राइट हैंड साइड के कंटेंट को, मतलब कर्सर के दाईं तरफ जो भी लिखा हुआ दिखेगा, जो ये ब्लिंकिंग लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। कर्सर की दाईं तरफ जो चीज है उसको अगर डिलीट करना है तो डिलीट की दबाइए। जैसे देखिए मैं डिलीट दबा रहा हूं, नीचे के लाइन भी ऊपर अपने आप आते चले जाएंगे क्योंकि ये दाईं तरफ की। लेकिन कर्सर की बाईं तरफ के किसी चीज को अगर डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस की दबाएंगे, ठीक है। तो बैक स्पेस मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, बैक स्पेस यूज फॉर डिलीटिंग कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड एंड डिलीट इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका डिलीट का इस्तेमाल करने का तरीका हो गया, ओके। अब आते हैं, अब जरा सा फाइल टैब पे मैंने न्यू ऑप्शन दिखाया था, फाइल टैब पे वापस आके मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। अब हमारे पास ऑप्शन है सेव और सेव एज, आप सेव करें या सेव एज करें। अभी चलिए मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ, मैंने कंप्यूटर पे गया, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से डेस्कटॉप ले लिया, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे फाइल को सेव किया, मैं लिख देता हूँ वर्ड ट्यूटोरियल वन के नाम से मैंने फाइल को सेव कर दिया। और अब मैं इसको वर्ड को बंद कर देता हूँ। वर्ड कैसे किया, मैंने कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबा के मैंने उसको बंद कर दिया। मैं क्लोज यहाँ से भी कर सकता था, इस क्लोज बटन पर क्लिक करके। मैं इस
विंडो बटन पे क्लिक करके भी क्लोज कर सकता था, और इसका शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस एफ फोर। देखिए इसको समझिएगा, अल्ट प्लस एफ फोर का मतलब हो गया अल्ट की को दबाना है और साथ में एफ फोर की को दबाना है। किसको दबाना है, एफ फोर को दबाना है। आइए जरा सा मैं उस फाइल को, ठीक है, फाइल टैब पे आते हैं और अब यहाँ पे हमारे पास एक ओपन ऑप्शंस है। ओपन पे जाते ही हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, वर्ड ट्यूटोरियल वन डेस्कटॉप। अगर मान लीजिए ये यहाँ नहीं दिख रहा होता, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, जितने भी फाइल पे मैंने अभी काम किए वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये यहाँ नहीं दिख रहा होता तो मैं कंप्यूटर पे जाऊँगा, कंप्यूटर के अंदर मैं यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा, डेस्कटॉप के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, मैंने फाइल का नाम दिया था वर्ड ट्यूटोरियल, ये देखिए वर्ड ट्यूटोरियल वन दिख गया हमारे पास, मैंने ओपन कर दिया, फाइल हमारी सामने खुल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइल को ओपन कर सकते हो। मैंने बताया क्लोज करने के तीन ऑप्शन हैं आपके पास, या अल्ट के साथ F4 दबाइए, इस क्रॉस बटन पे क्लिक कर दीजिए, इस विंडो बटन पे, इस वर्ड बटन पे क्लिक करके क्लोज पे क्लिक कीजिए, हाँ, या कंट्रोल के साथ W दबाइए। कंट्रोल के साथ W दबाने पे फाइल क्लोज होता है, डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, लेकिन अल्ट के साथ F4 दबाने पे पूरा का पूरा वर्ड क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया कि हम फाइल ओपन कैसे करते हैं और फाइल को सेव कैसे करते हैं। अब देखिए आपने आपने फाइल को सेव कर दिया, तो यहाँ पे जरा नाम पे ध्यान दीजिए। अब नाम जो आपको दिखाई जा रहा है वो क्या है, वर्ड ट्यूटोरियल वन दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आ ही रहा है, फाइल के आगे डॉट डी ओ सी एक्स लग गया, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन कहते हैं, बाई डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन डॉक होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंज किया, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, नाउ I am going to do some modification in my file. मैंने इस फाइल में कुछ चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया, हेलो एवरीवन, एवरीवन, माई सेल्फ अंजीव सिंह, ये मैंने कुछ लाइन लिख दी है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है ये लाइन अब इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूं, तो मैं आता हूं फाइल पे फिर से और मैंने यहां से अभी इस बार मैं सेव एज ऑप्शन लेता हूं, या चलिए इस बार मैं सेव ऑप्शन फिर से लिखता हूं, सेव पे क्लिक करता हूं। इसने मेरे से फाइल का नाम नहीं पूछा, पहली बार जब फाइल का नाम डॉक था, यानी कि मैं एक बार न्यू ऑप्शन करके आपको दिखाऊं, मैंने एक बार न्यू लिया और अब देखिए यहां पे डॉक्यूमेंट 5 आ रहा है, मैं फाइल पे जाता हूं और मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूं, इसने मेरे से फाइल का नाम पूछा, यहां पे कहा लोकेशन दो, लोकेशन के बाद फाइल का नाम दो, सेव एज करो, देखो यहां पे सेव एज डायलॉग खुल जाता है। अब जरा इस चीज को समझने की जरूरत है, मैं इसको एस्केप दबा के कैंसिल कर कंट्रोल डब्ल्यू से इसको बंद करता हूं। अब जरा समझने की जरूरत है, अगर आप फाइल को सेव करते हैं तो वो हमेशा एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कंटेंट, मॉडिफाइड कंटेंट को सेव कर देगा, जो भी आपने कोई चेंज किया था उसको उसी फाइल के अंदर सेव कर देगा। लेकिन अगर आप सेव एज करते हैं तो ये आपसे फाइल को सेव करते समय आपसे एक नया नाम पूछेगा, मतलब अगर इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना हो तो मैं यहां पे सेव एज पे जाके, और सेव एज करते ही इसने मेरे से फाइल का नाम पूछा और इस बार मैं इसका नाम दे देता हूं माय वर्ड ट्यूटोरियल टेम्प और सेव कर देता हूं। अब जरा सा ध्यान से देखिए, मैं इस वर्ड ट्यूटोरियल टेम्प के अंदर से मैं कुछ लाइन को, अच्छा यहां पे देखिए सेव एज करते फाइल का नाम क्या आ गया, वर्ड ट्यूटोरियल टेम्प आ गया, मैंने कुछ लाइन को यहां से डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट किया, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं शिफ्ट और डाउन एरो की से और बैक स्पेस दबा देता हूं, या शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देता हूं, मतलब एक से अधिक चीज डिलीट करना हो तो आप उसे शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करके आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके फिर आप डिलीट बटन या बैक स्पेस बटन दबा दें, वो कंटेंट आपका डिलीट हो जाएगा। अब देखिए मैं इसमें जाके वापस यहां फाइल पे जाके इसको सेव कर दे रहा हूं एक बार फिर से। अब मैं आपको फाइल ट्यूटोरियल वन को एक बार खोल के दिखाता हूं, फिर से फाइल पे जाता हूं, फाइल पे जाके मैंने ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया, ओपन पे जाके वर्ड ट्यूटोरियल वन पे क्लिक किया, ये देखिए इसके अंदर तो ये कंटेंट दिख रहा है, लेकिन जब वर्ड ट्यूटोरियल टेम्प को हम देखेंगे, वर्ड ट्यूटोरियल टेम्प को देखते हैं, मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर देता हूँ, मैंने सिर्फ फाइल को क्लोज किया, वर्ड को क्लोज नहीं किया, ध्यान रखिए अगर आपने यहाँ से क्लोज कर दिया तो वर्ड क्लोज हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल डब्ल्यू से सिर्फ फाइल क्लोज होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट्स। मैं फिर से ओपन करता हूँ और इस बार मैं वर्ड ट्यूटोरियल टेम्प को खोलता हूँ, तो टेम्प के अंदर में सिर्फ एक लाइन है, बाकी सारे लाइन डिलीट हो गए क्योंकि मैंने डिलीट करके इसको सेव किया था, लेकिन जो फॉर्ट फाइल A1 है उसके अंदर में हमें पुराने कंटेंट भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सेव और सेव एज के बीच में क्या डिफरेंस है, सेव
आप पुराने कंटेंट पुराने फाइल के अंदर में नए कंटेंट को सेव करना हो, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर में किसी तरह के चेंज को सेव करना हो तो सेव बटन यूज करें, और अगर फाइल को किसी और नाम से सेव करना है, फाइल का डुप्लीकेट बनाना है, तो आप सेव एज यूज करें। तो मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन की वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम वर्ड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वर्ड के डिफरेंट विंडोज कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, फाइल टाइप के बारे में बताया, फाइल टाइप के अंदर मैंने चार ऑप्शंस आपको दिखाए, न्यू, सेव, सेव एज एंड ओपन। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक को कवर करूंगा, आगे बताऊंगा, आगे बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर